दोस्तों गुड लक एक जादू की तरह होता है, कब चल जाए किसी को नहीं पता, और कुछ लोग इसी गुड लक यानी कि अच्छी किस्मत के भरोसे कुछ भी कर जाते हैं। यहां तक कि अगर किस्मत ने साथ दिया तो मौत भी उन्हें छूने से डरती है। और हम आज आपको कुछ ऐसे खुशकिस्मत लोगों से मिलवाने वाले हैं जिनकी किस्मत देखकर आपको जलन भी हो सकती है, लेकिन एंटरटेनमेंट की गारंटी हमारी है, इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आपके अंदर जरा से भी बुद्धि है ना, तो आप इस बात को बड़े अच्छे से जानते होंगे कि रोलर कोस्टर की राइड करते समय फोन इस्तेमाल करना मतलब अपने फोन से हाथ धो बैठना। लेकिन अगर आपके पीछे कोई बेहतरीन कैच पकड़ने वाला हो तो ऐसा कुछ नहीं होता, जैसे इस शख्स ने पकड़ लिया। पर दोस्तों संभल कर, क्योंकि ये जरूरी नहीं है कि आपके पीछे इसी तरह एमएस धोनी के रिश्तेदार बैठे हों जो कैच पकड़ने में माहिर हो। दोस्तों अच्छा सोचिए कि आप अपनी बाइक पर तेज रफ्तार में जा रहे हो और ई चालान काटने वाला ऑफिसर आपकी बाइक की फोटो ले रहे हो, लेकिन तभी सामने से एक पक्षी आकर आपकी नंबर प्लेट को छुपा देता है और आप उतने में फुर्र हो जाते हैं, तो आपको कैसा लगेगा? मजा आ जाएगा ना। ठीक ऐसा ही इस कार वाले को लग रहा है जब स्पीडिंग कैमरा के सामने आकर पक्षी ने इसकी जेब ढीली होने से बचा ली। अगर आपको पेरेंटिंग की कोई टिप्स चाहिए तो ये महिला आपको बखूबी दे सकती है जो अपनी लाइफ एंजॉय करने के साथ साथ अपने बच्चे का भी ध्यान रखना जानती है। अब आप खुद ही देख लीजिए कि पहले तो ये अपने फोन में बिजी थी, लेकिन जैसे इनका बच्चा रेलिंग से गिरता है ये तुरंत फोन छोड़कर उसे अपने एक हाथ से पकड़ लेती है, जो साफ दर्शाता है कि इन्हें फोन की स्क्रीन के साथ साथ अपने बच्चे की सेफ्टी का भी पूरा ख्याल है। और इनकी इसी क्विक थिंकिंग के लिए लोग तालियां भी बजाते हैं। इस तस्वीर को देखने के बाद आपको ऐसा महसूस हो सकता है कि ये कोई फिल्म का सीन है, तो दोस्तों हम आपको बता दें ये फिल्म का सीन नहीं बल्कि इस कार चलाने वाले की किस्मत है जो ये इतने बड़े पत्थर के बीचों बीच बच गया, वरना हमें तो नहीं लगता कि इतने बड़े खतरे से बचना आसान था। दोस्तों इसे देखकर समझ में ही नहीं आता कि कार लकी है या फिर उसमें बैठा इंसान। दोस्तों हर किसी को अपनी जिंदगी में एडवेंचर पसंद होते हैं, लेकिन कई लोग एडवेंचर करते करते बहुत बड़ी मुसीबत में फंस जाते हैं। पर चाइना के इस एडवेंचर पार्क में इस शख्स की किस्मत वाकई बहुत ज्यादा चमकी हुई थी, क्योंकि जब ये ऊंचाई से ब्रिज को पार कर रहे थे तो इनका हार्नेस अचानक से टूट गया। लेकिन वो तो खुशकिस्मती से जब हार्नेस टूटा तो अपने अगले प्लेटफॉर्म पर ये पहुंच चुके थे, वरना अगर एक सेकंड भी देरी हो जाती तो ये करीब 152 मीटर की ऊंचाई से जमीन पर गिरते, जिसके बाद इनको देखना तो नामुमकिन था। दोस्तों चाइना में मौजूद ये एडवेंचर पार्क इस इंसिडेंट के बाद बंद हो गया, क्योंकि कई सारे लोग इतनी ऊंचाई पर इस तरह की बेवकूफी करने आ जाते थे जिससे कई बार हादसे भी हो चुके हैं। कभी कभी आपका गुस्सा आपकी जान बचा सकता है। अब आप बोलेंगे कि कैसे, तो जरा इस शख्स को देख लीजिए जो अपनी सनक में चूर होकर इस रेलिंग के पास मौजूद पेड़ को लात मारते हुए चले जा रहे थे। बस एक सेकंड की देरी थी, वरना ये जो कार रेलिंग से टकरा कर आगे आई है वो इनको इतना बुरा ठोकती कि कभी गुस्सा करने लायक न बचते। दोस्तों अलर्ट रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि क्या पता कब उड़ती कार आ जाए और आपको नुकसान पहुंचाकर चलती बने। अब जैसे कि आप इस शख्स को देख लीजिए, ये अपनी कार को लेकर खड़ा था लेकिन उसके ऊपर से कार उड़ती हुई चली आई, सिर्फ हल्का सा है जनाब बच गए, वरना अगर इनकी किस्मत जरा से भी साथ छोड़ देती तो बहुत गजब हो जाता। दोस्तों गाड़ियों से याद आया, आपको मर्सिडीज या लैम्बोर्गिनी में से कौन सी गाड़ी पसंद है? अपना जवाब कमेंट बॉक्स में तो बता दो। दोस्तों 2007 में मिशिगन में रहने वाले इस व्हीलचेयर के सहारे चलने वाले इंसान ने मौत को चकमा दे दिया।
क्योंकि जब ये रोड क्रॉस कर रहे थे तभी इनके पीछे से 88 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ट्रक आ गया और इनकी व्हीलचेयर उस ट्रक में फंस गई, जिसके साथ ये ट्रक के आगे आगे 2 मील तक चले गए। और फिर पुलिस वालों को पता लगा तो उन्होंने ट्रक ड्राइवर को धर लिया। लेकिन सबसे ज्यादा हैरानी वाली बात तो ये है कि ट्रक से टकराने के बावजूद ये सही सलामत बच गए। आप लोगों ने ये बात तो सुनी ही होगी कि कई बार भगवान खुद हमारी मदद करने आते हैं, और यहां भी कुछ ऐसा ही हुआ, क्योंकि जैसे इस शख्स की पीठ पर इस अनजान आदमी ने थपथपाया और उतने में उसकी जान बच गई। आप खुद ही देखिए ये चीज कैसी हुई। तो दोस्तों, देखा आपने कि कैसे उस अनजान आदमी के केवल एक बार पीठ पर हाथ रखने से ही इस शख्स की जान बच गई। दोस्तों, 2017 में एक्सपर्ट पियानो टीचर मार्टिन को 1909 के जमाने के पियानो में खजाना मिला और वो पियानो पास के एक कम्युनिटी कॉलेज में डोनेट किया गया था। जिसने इस पियानो को डोनेट किया था उसके फादर ने उस पियानो को कहीं से खरीदा था, लेकिन उसे पता नहीं था कि इसके अंदर खजाना है। अब हम ये प्रोफेसर मार्टिन की खुशकिस्मती कहें या फिर जिसने इसे डोनेट किया है उसकी बदकिस्मती कि खजाना उसके नसीब में नहीं था, क्योंकि खजाने की कीमत मिलियंस ऑफ डॉलर थी। हालांकि मार्टिन को पूरा खजाना नहीं मिला क्योंकि खजाना नेशनल प्रॉपर्टी घोषित कर दिया गया, पर हाँ, इतने बड़े खजाने का 10% भी बहुत होता है। अब इस वीडियो पर मौजूद लोग कुछ कम खुशकिस्मत नहीं है, क्योंकि जिस स्पीड से बर्फ गिरी है अगर किसी के ऊपर हल्की सी भी पड़ जाती तो उसकी हालत खराब हो जाती, और अगर पूरी पड़ जाती तो आप खुद सोच सकते हैं क्या हो सकता था। वैसे दोस्तों, कभी कभी जब प्लेन हाई एल्टीट्यूड में होता है तो उसके अंदर बर्फ इकट्ठा होकर गिरनी शुरू हो जाती है और कई बार हादसों का कारण बन जाती है। हाँ दोस्तों, माना कि स्विमिंग करने का अपना अलग ही एडवेंचर होता है, लेकिन क्या कोई इतना खुशकिस्मत होता है कि शार्क के चंगुल में फंस जाने के बाद खुद को जिंदा वापस लाने में कामयाब हो जाए? क्योंकि दोस्तों, 2014 में 14 साल की मैकलम नाम की ये लड़की जब टेक्सास की इस नदी में स्विमिंग कर रही थी तभी इसकी पीठ पर अचानक से कुछ महसूस हुआ, जिसके तुरंत बाद ये बहुत तेजी से स्विमिंग करते हुए आगे चली गई, और जब पीछे मुड़कर देखा तो उसे समझ में आया कि इसने अभी अभी अपनी जान बचाई है। तो दोस्तों, हमें पूरी उम्मीद है कि आप अपने होस्ट और दोस्त सैम की वीडियो में काफी मजे ले रहे होंगे। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक करते चलिए ताकि फ्यूचर में इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो आती रहे आपके लिए। कई बार आपकी सबसे मनपसंद चीज ही आपको मुसीबत से बचाती है, जैसे कि इस कार ने बचाया, जहां ये इतनी भारी चीज तुरंत जाकर कार के आर पार हो गई। लेकिन आप खुद ही सोचिए, अगर इस चीज का निशाना थोड़ा सा भी इधर उधर होता तो ये खिड़की तोड़कर सीधे ड्राइवर के सर पर लगती। लेकिन नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ और ड्राइवर के लक की वजह से वो इतने बड़े हादसे से बच गया। हम सभी जब सुबह सुबह उठते हैं तो हमारा दिमाग थोड़ा अलग ही तरह का होता है। ऐसे में ये चीज कोई नहीं चाहता कि सुबह उठते ही उसे गटर में हाथ डालना पड़े, लेकिन जिस हिसाब से चाबियां बहते पानी में रुकी हुई हैं उसे देखकर तो ये लगता है कि इनके ऑनर को चाबियों के लिए सुबह सुबह ऑफिस जाते समय गटर में हाथ नहीं डालना पड़ा और ना ही नई चाबियां खरीदने के लिए हाफ डे लेना पड़ा। अब हम आपको दुनिया के सबसे खुशकिस्मत इंसान से मिलाते हैं जो इतने बुरे हादसे से बचे हैं कि कोई भी देखकर दंग रह जाएगा। दोस्तों, ये सीन किसी फिल्म के सीन से कम नहीं लगता जहां पर हीरो मौत के मुंह से निकल गया हो। ठीक उसी तरह ये शख्स भी इस टावर के गिरने के जस्ट पहले ही उस जगह से निकल गए, वरना तो हादसा इतना बड़ा होता कि हम और आप अंदाजा नहीं लगा सकते। दोस्तों, क्या कभी आपको गाड़ी चलाते चलाते आईफोन मिला? नहीं मिला तो हम आपको बता दें, इस तरह के खुशकिस्मत इंसान भी दुनिया में मौजूद है। अब जैसे कि आप इसे शख्स को देख लीजिए जो बड़े मजे से अपने दोस्तों के साथ बाइक राइडिंग कर रहा था, तभी एक उड़ता हुआ आईफोन डायरेक्ट उसकी बाइक पर आकर गिरता है, जिसका नजारा कुछ इस तरह होता है। वो तो ये अच्छे इंसान थे जिन्होंने ऑनर को फोन दे दिया, वरना कोई और होता तो बाइक राइड के समय आईफोन पाने के बाद किसी को बताता ही नहीं। दोस्तों, कुछ नेचुरल डिजास्टर कहीं भी कभी भी आफत की तरह टपक पड़ते हैं, जिनमें से एक सिंक होल सबसे बड़ा एग्जाम्पल है, जिसकी वजह से कई बार बड़े बड़े हादसे हो जाते हैं। लेकिन खुशकिस्मत लोगों को भला कौन से हादसे नुकसान पहुंचा सकते हैं? पर दोस्तों, अब ये वीडियो वाकई में आपको हैरान करने वाली है।
जहां पर ये कार पूरी तरह से सिंक होल में फंस जाती है। लेकिन होल इतना बड़ा नहीं होता है कि कार नीचे गिर जाए, और बस कुछ ही इंच के फासले से एक बहुत बड़ा हादसा टल जाता है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर हाँ तो वीडियो के बारे में कमेंट जरूर कीजिए, और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो लगातार देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।